दालचीनी चाय में भी ऐड कर सकते हैं, कॉफी में भी ऐड कर सकते हैं। तो संडे की शुरुआत बहुत लेजी वे में हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। आज मैं बहुत सुबह उठी फिर सो गई। और इधर देखिए, जब मैं अपनी कॉफ़ी गर्म कर रही हूँ, से हेलो से हेलो फीस हेलो हो हेलो हाय हेलो ओ यू हैविंग योर टेडी बेयर ओ माय गॉड वी बोथ वांट द सेम टॉय। आज इनका बर्थडे है तो इसके बाद वही प्रोग्राम होगा। आप मिल लिए ना मेरी परिवार से। द रिट्रीवर द एल्डर इज होप, और जो छोटी है ना छुटकी, नॉटी बहुत है पर उसका नाम पीस है। पीस मेरा हेल्थ ड्रिंक फर्स्ट। आराम से अपने रूम में जाके, क्योंकि मेरी मेड आ चुकी है, चलिए कॉफ़ी पी जाए। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा योगा किया, स्ट्रेचिंग किया, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। योगा बहुत अच्छा होता है, ख़ास करके जब वीकेंड हो, मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। योगा इज़ माय गो टू थिंग ऑन संडेज। आप लोग भी करिए। देखिए घर की सफाई हो चुकी है, बाई देखिए मेरा कपूर जलाते घर पे जा रही है। अब इन दोनों को नहलाने की बारी। In my lap while I dry, and this is cold air. I hope you all can hear me. But that is peace, almost ready. And peace has a habit of sleeping while somebody is drying her. So now hope is piece is already dry, so I am removing her knots, trying to comb her after the drying. And also see, you can, it is very important to comb them properly, remove the knots, because they have a long fur and knots se fir bahut gadbad ho jata hai. To dekho piece ko dekho, सोती है वो। वेन एवर यू गिव हर बाथ एंड गिव ड्राई एंड कॉम, शी विल स्टार्ट स्लीपिंग। लुक एट दिस कार्टून ऑफ माई लाइफ कॉल्ड पीस। दे रियली ब्रिंग पीस टू माई लाइफ। लुक एट माई क्यूटी। दिस इज लाइफ, दिस इज नर्चरिंग, नरिशिंग, मदरिंग। यू नो हाउ टू गेट राइट बेबी, फीलिंग नाइस आफ्टर द बाथ। Are you? See, she is such a good girl. So when I give them a bath, usually I put this antibiotic Ziplocs eye drops and ear drops in their ear. You will see that. So that if any infection, dust or anything that
you know, sometimes the dog's ears will smell. I have wiped out the ear with a towel and now I'm going to apply this. She's just about to get dried and you can look. This bachu is sleeping on my lap. Peace, do we have a face? Okay. Hello, baby. Down, say hi, hi. Hi. Hello. Look at her Zulfi. I made tire rubber. So now I'm going to put these drops in her here. Just look at her. She is a very, 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 very... Peace is a very good girl. So now look. I love you. Thank you very much for giving me. जब भी टास्क फिनिश होता है जैसे नहाना ड्राई करना तो गिव देम अ हग. दिस ऑल्सो रिलीजेज योर लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड इट विल मेक यू फील गुड. लुक एट हाउ ईगरली दे आर वेटिंग फॉर द फूड. नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवॉर्ड आफ्टर द बाथ. Freshly bathed and full of fragrance. See how they're eating. I have given them chicken and little rice, and that's what they eat one time, and rest of the time the little breakfast and dinner they have the dog food. Ab main jaati hu thoda nahane ke liye. Meri halat dekhiye. Ab Hope aur Peace to bilkul rested hai. You give bath to your dog, so I use this. मैंने स्प्रिंकल कर दिया है क्योंकि डॉग के फर में एक अजीब तरह का स्मेल होता है, राइट, जो आपको बाथरूम में नजर आता है. ये मैं खुद ही करती हूँ. तो मैंने अब नहा लिया है. वैसे तो आप लोगों को पता है नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ. ये ड्रेस आपने देखा होगा ना, मैंने कहा था कि मैंने फैशोरा से मंगाया ये और बहुत अच्छा है. तो मैं सुबह उठ के तो मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ सेटाफिल की, और नहाने के बाद क्योंकि मैं कभी फेशियल वेशियल कुछ नहीं करती लाइफ में, मैंने किया ही नहीं. आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम. मैं एक्चुअल में फेशियल ही नहीं करती. फिर से सेटाफिल डेली मॉइस्चराइज़र के साथ मैं ये यूज़ करती हूँ, थ्राइवोको का सीरम, स्किन सीरम, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, जितने कोलेजन, जितनी चीज़ें होती है. जैसे कि आपको पता है, हाँ ये ऐसे ही करना चाहिए. माई डॉक्टर फ्रेंड सेज एवरीथिंग दैट गोज अपवर्ड मोमेंट इज़ अ करेक्ट मोमेंट. तो आप देख ही रहे, दो ढाई साल से तो हम लोग सब पैंडेमिक में ही हैं. बड़ी मुश्किल से मैं उस दिन अपने बाल स्ट्रेटन कराने, 16 कराया मैंने, क्योंकि बहुत ही फ्रीजी हो गए थे. कलर नहीं, मेंटेनेंस नहीं, और अब आदत हो गई है. मैं अब तक वैक्सीनेटेड भी नहीं हूँ, तो आई अवॉइड. सोचती हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, जितना मिनिमम में रहूँ उतना अच्छा है, राइट. सो दिस इज़ ऑल आई डू. आई विल जस्ट पुट अ बिट ऑफ, ये मैंने लिया था बॉडी प्लम्पर, दो ढाई साल हो गए अब तक है ही, तो ये लगाती हूँ मैं ताकि लिप्स मेरे थोड़े से सॉफ्टन अप हो जाए. और मैं यूज़ करती हूँ छोटा सा ये काजल हमेशा, और कुछ नहीं, बस यही. मुझे मेकअप लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, हैवी लगता है. कभी कभी लगाती हूँ लिपस्टिक क्योंकि जब मैं रील बनाती हूँ, और हमेशा गुड स्किन फिल्टर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप करना बोर हो जाता है. जैसे तैसे लाइनर डाल देती हूँ और चली जाती हूँ रील बनाने. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूँगी कल मिड डे में, मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में, जो और भी है, भी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, फिल्म मेकर हूँ. तो एक आर्टिकल छपा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को राइट साइड का आइकन से क्लिक करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पढ़िएगा ज़रूर और कमेंट्स में ज़रूर बताइए.
अब चूंकि आप सब लोग जानते हैं मैं बहुत बहुत नहीं थोड़ा थक गई हूँ होप और पीस को बात और ड्राई करके, तो अब मैं करूँगी अपनी सुदर्शन क्रिया जो मैं नहीं बता सकती, उसके लिए आपको आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं करूँगी श्री श्री रविशंकर जी का, जो यूट्यूब पे हज़ारों लाखों मेडिटेशन है उसमें से कोई एक चुनिंदा मेडिटेशन, और ये मेरी लाइफस्टाइल से क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे जब मेरा क्रिया और ध्यान हो जाएगा। तो संडे के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ, मेडिटेट कर चुकी हूँ, होप और पीस ने अपना खाना भी खा लिया है। अब मैं या तो कुछ पढ़ूँगी, मुझे ये भी मेल आया है कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मेरी जो किताब जल्द ही प्रदर्शित होने वाली है लम्हे चाहत के, वो भी आया है फाइनल, तो शायद वो पढ़ना पड़े। फिर मैं देखूँगी नेटफ्लिक्स। अरे हाँ, ये ड्रेस देखिए कैसे अच्छी लग, सी इट्स अ गरार। सुंदर लगना, सुंदर दिखना, खुद को सुंदर समझना ज़रूरी है, और उसके लिए जो मेहनत करनी होती है लाइफ में वो भी ज़रूरी है। कौन सी मेहनत आप बोलेंगे? तो जनरली लोग संडे को देर से उठते, मैं भी उठती हूँ, आज सुबह 6 बजे उठी, फिर से सो गई, मैंने कहा कि उठना, सोते रहो। तो स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल, डीप स्लीप, क्यों? कॉर्टिसोल रिलीज आपका रोकती है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, और जितना आप सोते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है 400-500%, जिसके कारण आपके बॉडी में हीलिंग होती है, ये तो आपको सबको पता है ही। फिर बहुत सारे इम्पोर्टेंट हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, है ना, कौन से होते हैं वो सब आपको वीडियो में पता है। तो मैंने क्या किया, मैं एक टास्क बना लेती कि भाई सुबह से मेरा क्या रूटीन है, अपना पहले अपना हेल्थ ड्रिंक लिया, उसके बाद में मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट सर्फिंग करती हूँ, सोशल मीडिया जो मैंने आज नहीं किया क्योंकि इसी फ़ोन से मैं वीलॉग भी बना रही हूँ। उसके बाद मेरा आज का टास्क सबसे बड़ा क्या था कि होप और पीस को नहलाना है, ड्राई करना है, क्लीन करना है, कान साफ करने हैं, उनकी दवाई देनी है, उनका खाना भी मैंने बना दिया था जिस वक्त अपनी कॉफ़ी रखी थी। तो इससे क्या होता है, इससे होता है आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन तभी रिलीज़ होगा जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करोगे, तो उस समय आपका डोपामिन रिलीज़ होता है जो कि आपको रिलैक्स करता है। फिर एक्सरसाइज या प्राणायाम। अब देखिए, हम लोग इतना सोचते हैं और सोच पे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, 17,000 से 28,000 तक थॉट्स आते जाते रहते हैं, रैंडम है, पर पता है सोच को नहीं पकड़ना है, पर हमें खुद को कैसे रिलैक्स करना है, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि सोच होती है पतंग, यानी आवर थॉट्स आर वेरी रैंडम, द थॉट्स दे आर अ काइट, और काइट को जो हम कंट्रोल करते हैं ना मांझा, तो हमारे थॉट्स होती है एक पतंग, और हमारे थॉट्स को, पतंग को कंट्रोल करने के लिए जो मांझा है वो होता है हमारा सांस। तो हम कितना अंडर वैल्यू करते हैं ना, एनवायरनमेंट को भी करते हैं जहाँ हम सांस ले रहे हैं, सांस को भी करते हैं। ये शरीर क्या है अगर सांस नहीं है, फिर वो बॉडी बन जाती है, पर जब हम सांस ले रहे होते हैं तो 24 घंटे में आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी सांस चल रही है, इट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री, जब तक आप जीवन थे सांस चलती रहेगी। तो इसीलिए प्राणायाम ध्यान आपको उस स्टेट में ले जाता है डीप रेस्ट। तो एक होता है कि बॉडी, फिर ये डीप रेस्ट से क्या होगा, अगेन योर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स विल गो डाउन एंड यू विल फील गुड, रिलैक्स्ड, एंड यू विल स्माइल, बिकॉज आवर बॉडी इज एग्जिस्टिंग इन टू मेनी लेवल्स, राइट। हम बॉडी ऊपर मटेरियलिज्म में ही अटक जाते हैं और वहाँ से फिर मिजरी में ही जाते हैं क्योंकि उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब देखिए, बच्चे नहीं रहे, सबको स्ट्रेस इतना होता है, मेरे घर पे अब कोई नहीं है, तो लोग बहुत डिप्रेस लाइफ भी जी सकते, पर मैं नहीं क्योंकि आई हैव अ रूटीन। तो डोपामिन हुआ, एंडोर्फिन हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ ध्यान से और प्राणायाम से, क्या होता है आपको बता ही दिया है मैंने। फिर आपने देखा होगा कि जब मैंने होप को और पीस को नहलाया, तो जब ड्राई किया, खास करके होप को, उसको मैंने थैंक यू बोला और हग किया। तो हगिंग समबडी और
गिविंग अ किस टू समबडी रिलीजेज योर ऑक्सीटोसिन. मेडिकल लैंग्वेज में उसको लव हार्मोन बोलते हैं. तो खैर, अब जो लोग डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर सिंगल्स क्या करें? तो ये है, आपके पेट्स को आप हग करेंगे ना. पेट्स शुड नॉट बी द स्ट्रेस बस्टर्स ऑल द टाइम. इवन यू नीड टू बी गुड, यू नीड टू स्प्रेड दैट वाइब दैट इज चेयरफुल, एंड यू शुड ऑल्सो हग देम. यू सी हाउ दे ऑल्सो ब्लॉसम. तो पेट केयर तो शॉर्ट में मैंने बता दिए जो मैं करती हूँ. बाकी तो मेरी ग्रूमर है ईशा, यहीं पे है शास्त्री नगर में, शी इज़ अ एंजल. उसी ने मुझे पीस को भी दिलवाया था. अब इसके बाद या तो मैं किताब पढ़ूँगी थोड़ी देर, नेटफ्लिक्स देखूँगी. बहुत पुराना सीरीज़ है वैसे तो डायनेस्टी है, वो देख रही हूँ. अच्छी कोई न्यू रिलीज फिल्म होगी तो देखूँगी. फैमिली मैन भी देखूँगी अमेज़ॉन पे. तो दीज आर माई पिक्स ऑफ दिस वीक फॉर योर नेटफ्लिक्स एंड चिल. उसके बाद में शाम को हो सकता है तो उनके साथ नीचे जाऊंगी, पर गर्म बहुत है तो मन नहीं कर रहा. आज तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को बीच पे ले जाऊं, बट इट्स रियली हॉट. और ये भी है कि आज गणेश का विसर्जन भी है, गणपति विसर्जन भी है, तो बेटर है मैं घर पे ही रहूं और एक रूटीन फॉलो करूं और एफर्टलेसली. शाम को अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगी या वॉइस मैसेज भेजूँगी, अपनी मम्मा से बात करूँगी, अपने दोस्तों से कनेक्ट करूँगी, सोशल मीडिया पर जाऊँगी, रील भी बनाऊंगी. तो हार्मोन्स जो है आपको नचाते हैं, तो आप हार्मोन्स को ये मौका मत दीजिए. बैलेंस करिए अपने हार्मोन्स को और एक भरपूर ज़िंदगी जिए. ज़िंदगी लंबी ना हो ना सही, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, यही कहते हैं ना. तो कभी भी ये भी मत सोचिए कि आप फेलियर है आप ये, मुझे भी ऐसा लगता है लोग बोलते हैं. पर अगर आप ध्यान से बैठ के सोचेंगे ना, आप जहाँ इस वक्त है ना, वो करोड़ों लोगों का सपना होता है. तो फेलियर कैसे हुआ भाई कोई? अपने आसपास देखिए, आप जान पाएंगे कि आप कितनी अच्छी पोजीशन में हैं. आप देने की पोजीशन में हैं. तो देने वाले लोग ना, यानी गिवर्स ऑलवेज स्टे हैप्पी. स्टार्ट गिविंग लव केयर टू एवरीथिंग, टू दिस प्लांट्स. Do silly things like I did this, the light, wow. है ना अच्छी मज़ेदार बात. छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लीजिए. होप के साथ मैंने परसों हम लोगों ने इतना डांस किया कि मेरे ब्रेसलेट टूट गए सारे. तो आज मैंने नए ब्रेसलेट भी मंगाए, रोज़ क्वार्ट्ज़ और पता नहीं टाइगर, और ये ब्लू वाला तो मेरी मम्मी ने दिया है. तो छोटी छोटी बातों में खुश रहिए, इसलिए वो आपको बड़ी खुशियों तक ले जाएगी. तो आशा करती हूँ कि ये मेरा संडे का फनी वीलॉग आपको पसंद आया होगा. और मेरी ड्रेस भी, बहुत सारी ड्रेसेस मैंने लिए रक्षाबंधन में. मम्मी ने मुझे पैसे भेजे थे क्योंकि भाई भी वहाँ ही था मम्मी के पास. वन बाय वन मैं सारी ड्रेसेस आपको रिवील करूँगी. अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए. थोड़ा फन, थोड़ी मस्ती, थोड़ा प्यार, थोड़ा ज्ञान, सब कुछ लेकर आऊँगी मैं आपके पास, आपकी डॉक्टर मृणालिनी. Take care of you, rest of the Sunday, have fun, make some reels and love yourself first. आपका कप भरा होगा ना दिल का, हार्ट का, तभी तो छलकेगा प्यार उससे. अरे मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता, मांगना भीख होती है, देना ही सब कुछ है. मगर सही लोगों को दीजिए. और जहाँ अगर आपको लगता है कि बार बार लोग आपके ट्रिगर दबाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, तो ऐसे लोगों से कुछ समय के लिए कट ऑफ करना ही बेटर होता है. इट्स एक्चुअली बीइंग पीसफुल एंड हैप्पी समटाइम्स टू बी अलोन. देयर इज अ डिफरेंस अलोन और लोनली. हम भीड़ में भी लोनली हो सकते, बोलते ना भीड़ में भी तनहा हूँ, वो बात नहीं होती. और बीइंग अलोन इज बीइंग वेरी पावरफुल. सो आई होप यू लाइक दिस चिटर चैटर ऑफ माइंड. आज तो खैर मैं संडे को डाइट नहीं करती, पर भूख नहीं लगी थी. एक कप कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी. इस वक्त शायद 3:30 बज रहे हैं दोपहर के. चाहती थी मैं कि बाहर जाऊँ, पर मैंने आपसे कहा था देखते क्या होता है, तो पता ये चला है कि विसर्जन की वजह से. हाँ, जिनके हैं 10 दिन के वो ले जा ही रहे होंगे लेकर. कमेंट्स नहीं करते आप लोग यार, कमेंट करके बताइए मेरा वीलॉग आपको कैसा लगता है. मेरे लिए नया है और ये आई एम प्रोफेशनल फिल्म मेकर, तो जिसके लिए एक यूनिट होता है. सिर्फ मेरा विजन होता है कंटेंट और ये कैसा होगा सब,
पर ये चीज़ें, ये टेक्निक भी मैं सीख रही हूँ कि कैसे स्टिक हो। और 3-4 बार तो मेरा मोबाइल ही गिर गया यार, इतना उसका स्क्रैच गार्ड ही बार बार बदलवाती हूँ, क्योंकि वो स्लिप हो जाता है, ट्राईपॉड से भी हो जाता है और इससे भी। और नए इक्विपमेंट्स मैं खरीदूँगी, देखूँगी, थोड़े मेंबर भी तो बढ़ जाए, मतलब ऐसा लगे कि भाई आई हैव एन ऑडियंस, तो और इम्प्रूव भी करूँगी। एंड आई होप यू रियली लाइक द वे आई डू माई व्लॉग्स। अब खाना पीना तो ख़त्म हो गया है, अभी देखिए आपको मजा बताती हूँ। पीस आप क्या कर रहे हो? से बाय पीस। मम्मा ने ठीक से साफ नहीं किया, मम्मा ने ठीक से साफ नहीं किया। हो आपको तो साफ किया ना, ये देखिए। से बाय टू देम, से बाय, से बाय शेरनी, से बाय। हो अले अले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बाय 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 सी बाय बाय ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट संडे, एंड लुक एट माय प्रिंसेस पीस। Ha ha ha.